Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. कितने शाम के 4:30 बजे हैं एंड अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज भी वही कल का कंटिन्यूएशन हुआ है क्योंकि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो आज एक बॉक्स खोल देते हैं जो मैं एक्चुअली लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था ना उससे पहले जब मैं इंडिया में फंसी हुई थी तब से ये बॉक्स मैं रख के गई हूँ ऐसे ही. एंड ये ऐसे ही पड़ा हुआ था जो स्टडी रूम है तो स्टडी रूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था. मुझे पता भी नहीं है, अब मुझे याद भी नहीं है कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं. तो मैंने सोचा कि चलो ये खोल देते हैं. इसमें मैंने क्या क्या रख के गई हूँ मुझे पता भी नहीं है. देखिए इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है तो अभी आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. एक्चुअली मुझे सच में याद नहीं है क्या इसमें. ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए. ये देखिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं. आई थिंक ये पूरे डेट बार भी होके जा चुके हैं. सो ये देखिए कोई आई शेडो पैलेट है. ओ गॉड, मैंने इसको कभी यूज़ भी नहीं किया. आई थिंक एक ही बार यूज़ किया है. थोड़े थोड़े इसमें स्वॉप किए हुए हैं मैंने प्रोडक्ट्स, बट देन ये सारे तो ऐसे ही हैं. अब पता नहीं ये सेफ भी है कि नहीं यूज़ करने के लिए. इस पर डेट वेट कुछ भी कहीं दिख नहीं रहा है. सब कुछ निकाल दिया है मैंने तो पता नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है. देखिए एंड ये देखिए मेकअप का बॉक्स भी नया रखा है. पूरी प्लास्टिक्स भी ऐसे ही है इसके अभी भी. ये देखिए मैंने खोला भी नहीं ये पाउच. मुझे पता भी नहीं कि मेरे पास है ये पाउच क्योंकि कुछ चीज़ें आप ऐसे रख के भूल जाते हो ना. ये देखिए कितना बड़ा है मेकअप का पाउच एक्चुअल में अगर देखो तो. इस पर देखिए टैग भी ऐसे ही लगा हुआ है अभी भी. एंड इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं. अच्छा, इसके अंदर ये मेरी बैंगल है. ये देखिए ये मैं पहले बहुत पहना करती थी जब मैं जॉब करती थी. कुछ ऐसी बैंगल है ये. आई थिंक अभी पहन सकती हूँ मैं किसी दिन, तो इसको बाहर ही रख देती हूँ मैं, ठीक है. फिर इसमें ओके, तो ये देखिए ईयर कफ है ऐसा वाला. ये ऐसे यहाँ पे पहनते हैं ना कान पे ऊपर, तो ये वाला ईयर कफ है इसमें. और ये क्या है, ये कब कब लेके रखी हूँ मैं मुझे याद है. अच्छा ये ईयर रिंग्स हैं. ये देखिए एक और लोविसा के ईयर रिंग्स. हाँ ऐसे ईयर रिंग्स हैं एंड इसको ऐसे ऊपर डालने के लिए ऐसे ऊपर दिखेंगे. और नथ है, देखिए महाराष्ट्रीयन नथ एक और है. और ये एक नेक पीस है जो कि बहुत पुराना है. ये कभी काम आ सकते हैं ना, येलो कलर अगर चाहिए मुझे तो. ये एक ईयर कफ यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका. ये आई थिंक माठिल है जो मम्मी ने दिए थे मुझे, मोती वाले माठिल होते हैं ना ऐसे पहनने वाले, वो हैं. ये मैं आई थिंक कभी यूज़ कर सकती हूँ. ये ऐसे ना बालों ऐसे लगा के ऐसे पहनते हैं इसको. ये कुछ सेफोरा का आई शेडो ट्रायल होता है ना, टेस्टर होता है, वो टेस्टर्स हैं. ये मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये एक्सपायरी भी होता है इन पे. एंड ऐसे प्रोडक्ट्स को बहुत लंबे टाइम तक रख के यूज़ करना नहीं चाहिए, तो ये फेंक दूंगी. कुछ निक्स का मुझे आई शेडो मिला, देखिए ये भी फेंक दूंगी. ये भी बहुत पुराना हो चुका है. इस पर डेट तो मेंशन नहीं है बट 12 मंथ्स का एक्सपायरी है इस पर. सो ये निक्स का है, ये भी फेंक दूंगी मैं, कोई यूज़ नहीं है ये. एंड ऐसा कलर आई शेडो मैं लगाती भी नहीं हूँ. तो कंसीलर लगाने के बाद उसके ऊपर पाउडर शेडो लगाने के लिए ऐसा कुछ है. बर्थडे सूट बोल रहे हैं इसका शेड नाम, तो ये मैं फेंक ही देती हूँ क्योंकि काम नहीं है मुझे. खो देती हूँ मैं एक बारी. ये नई है ना, इस पर थोड़ा धूल धूल जमा हुआ है, ठीक है. और इसमें लोविसा की बैग रखी हुई है एंड आई थिंक इसमें प्रोडक्ट्स भी हैं क्योंकि ये देखिए ऐसे पैक्ड हैं अभी भी. ओ ये देखिए बालों में लगाने वाला, 2 साल लॉकडाउन के ना ये सब हुआ है. मतलब चीज़ें भूल गई मैं क्या था ये. मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है ये. ये देखिए इसको ना ऐसे करके ऐसे पीछे लगाते हैं. मैं आपको ऐसे आगे लगा के दिखा रही हूँ बट एक्चुअली ये पीछे लगाया जाता है. अरे वाह, बहुत सुंदर है. स्टोन्स इसमें ऐसे शाइनिंग वाले स्टोन्स हैं. ये देखिए कितना प्यारा है, ऐसे ही रखा हुआ है मैंने ये. अच्छा ये पुराने नेकलेसेस रखी हूँ मैं. ये देखिए नेक पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, इतना हैवी है ये. ये भी मैंने लोविसा से लिया था. ये देखिए
ये आई थिंक मैंने अंकिता का मेक ओवर किया था एक बार ही मेकअप के लिए, तो तब मैंने यूज किया था, उसके बाद मैंने यूज ही नहीं किया ये कि स्टोन्स का ब्लू कलर. बहुत ही प्यारा पीस है, देखिए बहुत सुंदर है एंड बहुत हैवी पीस है ये एक्चुअली. ओहो हो, मुझे तो ये याद भी नहीं था ये है मेरे पास बोल के. थैंक गॉड ये पिटारा निकाल रही हूँ मैं, एटलीस्ट अब मुझे पता रहेंगे कि चीज़ें क्या क्या हैं एंड क्या नहीं खरीदना है. रिपीट पे मैं खरीदती रहती हूँ कभी कभार. ये क्या है? ओ ये चोकर है, देखिए ये कुछ ऐसे डलता है. ये चोकर है स्टोन्स का, ये भी लोविसा का है, बहुत सुंदर है ये वाला है. और ये एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट भी है, ये इयररिंग्स भी हैं, कितने सुंदर हैं इनको ना. ये भी मैं कभी पहन ही नहीं हूँ शायद, आई थिंक कभी पहन सकती हूँ मैं इसको. अच्छा हुआ ये भी मिल गए. और इयररिंग्स है अनयूज्ड, देखो प्लास्टिक में ही है अभी भी. ओके ये किस लिए ली थी मैं ऐसे कलर वाले, पता नहीं, ये सब रख रख के ही खराब हो जाएंगे. ओके ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं, ये भी ऐसे ही रखे हुए हैं. ओह गॉड, अरे सनी ये देखेंगे ना बोलेंगे ये चीजें क्यों खरीदती हो जब इतने सारे हैं. तो चलिए प्लास्टिक खाली हो गई, जैसे जैसे खाली हो रहा है ये देखिए मैं डायरेक्ट डस्टबिन में डाले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रखना ही नहीं है अभी चीज़ें. इसमें देते हैं वो लोग इस सवाल है, तो इसके अंदर ही रहे ना तो अच्छे रहते हैं नेकलेस ये इयररिंग्स वगैरह ना, तो मैं इसको इसके अंदर ही डाल के रख रही हूँ ऐसे, ताकि ये काम आ जाएंगे ना जब ज़रूरत होगी तो, वरना ऐसे हम भूल जाते हैं रख करके. ये पाउच ये ख़राब हो चुका है, इसको फेंक दूंगी मैं, ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए. अच्छा इसमें और कुछ नेक पीसेस हैं ये देखिए. हाँ ये कुछ साल पहले मैंने इसमें से आयशा के लिए कुछ लेके गई थी मैं, तो ये देखिए ऐसे कुछ नेक पीसेस हैं ये. एक ये देखिए सेम सेम ये मैंने ना एक्सपो से खरीदा था एक बारी. हाँ ये देखिए एक ये सब कहाँ पहनूंगी मैं, मुझे पता भी नहीं. और ये देखिए टैग के साथ है. हाँ और एक ये ब्लू और एक और है, ये मैंने आई थिंक एक ही बार पहना था दिवाली पे कुछ ऐसा है. ये सब कुछ आई थिंक मैं डोनेट कर दूंगी, क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ नहीं नेकलेसेस, तो ये सब कुछ मैं आई थिंक डोनेट कर दूंगी या फिर देखती हूँ. कभी फिजू अगर पहनेगी ना, अभी स्कूल वूल में कुछ होता है उनके डांस वांस, तो आई थिंक फिजू के लिए काम आएंगी ये चीज़ें, ये कैमरा का है, तो मैं फिजू को दे दूंगी. हाँ डोनेट नहीं करूंगी, फिजू को दे दूंगी. ये देखिए ये बैग का हैंडल रखा है मैंने, बैग ऑलरेडी मैंने फेंक दी, ठीक है. ओहो ये देखिए पाउच है ऐसा वाला, जो ट्रैवल के लिए कहीं लेके जाते हैं ना ऐसे खुल जाता है, इसको आप ऐसे टांग सकते हो. ये पाउच है एंड पाउच के अंदर कुछ कुछ रखा है मैंने और भी. देखिए हेयर बैंड, ऐसा हेयर बैंड कौन पहनता है अभी है? कौन पहनता है ऐसे हेयर बैंड? ये भी रखी हूँ मैं, ये भी मेरे काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये सब फेंकने के हैं. ये सब फेंक रही हूँ मैं, देखिए डायरेक्ट जाएगा ये गार्बेज बैग में. और ये ब्यूटी ब्लेंडर पता नहीं कब का रखा हुआ है, ये भी गया. अब दूसरे पाउच में देखते हैं क्या है. अच्छा ये बैंड ये भी गया डस्टबिन में, ये कोम पता नहीं कब की ये भी गई डस्टबिन में. और ओए होए होए हवाइन क्लिप ली थी मैं, हाँ ये फुकेट से लिया था मैंने ऐसे ऐसे पहनने के लिए, फूल वाला जो कि फूल से ज्यादा बड़ा उसका क्लिप है. ऐसे अगर ना मैं मेरा वार्डरोब क्लीन करने बैठू ना, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मुझे याद भी नहीं है, तो ऐसी ही पड़ी हुई हैं वो सारी चीजें. तो आई थिंक ये देखिए ये अच्छा लग रहा है, कभी बीच विच साइड जाएंगे तो आई थिंक ये यूज कर सकते, इसको रखूंगी मैं, इसको नहीं फेंकूंगी.
और बाकी तो कुछ नहीं। ये एक मैंने पता नहीं ये काजल पेंसिल क्यों रखी, इतनी छोटी सी हो गई है, इसको मैंने बहुत संभल के रखा है। ये शिमोर का है शायद, तब मैंने लिया था ये, पता नहीं अब मैं फेंक दूंगी इसको। ठीक है, इसको भी धोने के लिए डाल दूंगी। एंड फाइनली ये बॉक्स खाली हो चुका है। अब मैं इसमें बहुत कुछ स्टोर करके रख सकती हूँ, काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो ये सब वेस्ट चीज़ें निकली हैं ना, अच्छा ही हो गया कि निकल गई चीज़ें, क्योंकि वेस्ट हैं ये, कोई काम की नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं आज आपको ना एक सिंपल सी एग करी की रेसिपी बताऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं एक बहुत ही सिंपल सी एग करी की रेसिपी अभी आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए किचन में चलते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगापुर में रह रहे हो एंड आपको वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए कोई रूम फ्रेशनर टाइप चाहिए ना, तो आप ऐसे वाले डिफ्यूजर्स मिलते हैं, अरोमा डिफ्यूजर्स। ओके, तो ये आप डाइजो से खरीद सकते हो, ये $2.14 के आते हैं। ये सस्ते भी होते हैं एंड काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, एंड इसको आप रिफिल करते रह सकते हो। ये बॉटल एंड ये जो इसके अंदर स्टिक्स होते हैं इनको आप रखिए, फेंकिएगा मत। इसमें सिर्फ आपको रिफिल बॉटल्स मिलते हैं डाइजो में, बड़ी बड़ी बॉटल्स मिलते हैं, उसमें लिक्विड होता है, तो आप क्या कर सकते हो उन लिक्विड्स को लेके आके इसमें भर सकते हो। आजकल आई थिंक इंडिया में मिनीसो वगैरह में भी सब कुछ ये मिलने लग चुका है, मिनीसो में तो ऐसे भरपूर मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ऐसे डिफ्यूज़र्स ना मुझे बहुत यूज़फुल लगते हैं, ये उतने पैसे बहुत ज़्यादा दे के जो नहीं लाना चाहते हैं वो लोग ऐसे वाले यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसे स्टिक्स आती हैं एंड इसके अंदर ये खोल के दिखाती हूँ, बॉटल है ना, कुछ बॉटल आती है। देखिए ये यूज़ू का है, यूज़ू मतलब इसका फ्लेवरिंग का नाम है। अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं आपको इसमें, लेमन मिलेगा, रोज़ मिलेगा, लैवेंडर एंड लेमन ग्रास, बहुत सारा अलग अलग मिलता है। आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर एक कवर होता है यहाँ पे, बस इसको हम हटा देंगे इस कवर को ऐसे। और मैं बाथरूम्स में मेरा वो भी है जो मेरा डिफ्यूज़र रखती हूँ मैं, वो भी है, एंड साथ ही साथ ये भी रखती हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू है। इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, और इसमें इन स्टिक्स को ऐसे डाल के रख दीजिए आप, अच्छी खुशबू। सो ये देखिए, अब इसको मैं यहाँ पे वॉशरूम में रख दूंगी, पहले वाला मैं फेंक दूंगी। तो देखिए पहले वाला था एमरल्ड फॉरेस्ट, तो अभी वाला यूजू बोल के है। तो मैं क्या करती हूँ मालूम, ये बहुत सुंदर है, इसमें जो पॉम पॉम लगे हुए हैं इनको मैं इसमें डाल दूंगी ये मैं फेंक नहीं रही हूँ, ठीक है, तो इनको रखूंगी एंड बाकी को पुराने वाले को फेंक दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफी सारे हैं, तो ये मैं रख रही हूँ एंड ये हम फेंक देंगे। आप देख सकते हो तो वो वाला है मेरे पास, ठीक है, जो ऑटोमेटिक फ्रेग्रेंस डिस्पेंसर होता है, पूरे घरों में है, पूरे घर में, पूरे रूम्स में है ना, ऐसा बाथरूम में भी है। बट देन मैं यहाँ पे ये वाला भी रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खुशबू आएगी, मतलब मुझे खुशबुओं से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, इसलिए मैं ये रख रही हूँ। बस मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी शाम के लिए, तो मैं आज बनाने वाली हूँ एक नॉर्मल एग करी जो कि सनी के लिए होगी, जो मैं नहीं खाती हूँ। मैं खाऊंगी राइस के साथ खाने वाली एग करी, जो कि मेरे पापा के गाँव के स्टाइल में बनाती हूँ, कच्चे नारियल से बनाऊंगी मैं उसको, एंड अंडे को फोड़ के उसमें डालते हैं, तो मैं सिर्फ एग वाइट डाल दूंगी उसमें, येलो नहीं डालती हूँ। एंड अभी जो गणपति के लिए मैं सीताफल लाई थी उनमें से एक और पक चुका है, तो अभी मैं खा रही हूँ। हमारी फैमिली में ना, हमारे घर पे सीताफल हर कोई खाता है, ठीक है, सबको पसंद है, बड़ों से लेके बच्चों तक, सिवाय सनी के, सनी को सीताफल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए सारे सीताफल मुझे ही मिल गए इस बार। इतना मजा आता है मालूम सीताफल खाने में, मुझे बहुत, बट संभल के खाना, इसमें कीड़े होते हैं वाइट वाइट से, कभी दिखते भी नहीं है। एक तो जो मैं कोकोनट की एग करी बना रही हूँ उसकी रेसिपी मतलब वैसे ही, मतलब पूरी दिखाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कितने लोगों को पसंद आती है, उसको ना आपको टेस्ट अडेप्ट करना पड़ता है वो करी खाने के लिए, ठीक है। बट जो दूसरी वाली करी दिखा रही हूँ मैं, जो हम हुबली में जनरली बनाते हैं, वो वाली करी आप बना के खा सकते हो। अगर आपके पास वो हुबली का लहसुन खारा होता है ना, वो है, तो आप इजीली बना सकते हो एंड बहुत यम्मी बनती है वो, तो इसलिए वो वाली का रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपके पास लहसुन खारा नहीं है, तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के भी उसको बना सकते हो। ये ट्रैवलिंग वगैरह में बहुत अच्छी होती है, उसमें बस पानी ऐड मत कीजिए, तो आप ट्रैवलिंग में भी उसको लेके जा सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग में नहीं लेके जा रहे हो, थोड़ा सा राइस के साथ थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो थोड़ा पानी डाल के आप उसको बना सकते हो। अभी देखिए इस वाली एग करी के लिए क्या चाहिए,
ये प्याज चाहिए बारीक कटी हुई, टमाटर मोटे मोटे काट लीजिए, ये वैसे भी गल जाएंगे, एंड थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा ज़्यादा धनिया लीजिए, एंड ऑल्सो बॉइल्ड एग्स। तो मैंने 2 बॉइल्ड एग लिए हैं, एंड इसको ना यहाँ पे हर जगह से मैंने इसे स्लिट कर करके काट लिया है ताकि इसमें मसाला अच्छे से जाए, एंड ऊपर और नीचे मैंने इसे प्लस मार्क करके काट लिया है। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्लिट्स हैं, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, यहाँ स्लिट है, यहाँ ऐसे स्लिट है, तो इसके अंदर मसाला अच्छे से जाता है। तो इसको हल्दी, नमक और बाद में वो मसाले वाली मिर्च चाहिए। अब हम कढ़ाई गरम के लिए रखें, अब इसमें तेल डाल रही हूँ मैं। सो सबसे पहले इसमें डलेगा तेल। अगर आप ट्रैवलिंग लेके जा रहे हो तो थोड़ा तेल ज़्यादा रखिए, क्योंकि तेल से ख़राब नहीं होगा ये, आराम से टिक जाएगा बहुत लंबे तक, मतलब 2 दिन तक तो टिक ही जाएगा अगर गर्मी वर्मी ज़्यादा नहीं है तो। अगर पानी डालते हो तो फिर नहीं टिकेगा। तो अब इसमें सबसे पहले हमें प्याज को डाल देंगे, और अनियन की कुकिंग फास्ट करने के लिए इसमें नमक डालेंगे, इससे अनियन जल्दी ही पक जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, देखिए थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद इसमें डालेंगे ये टमाटर एंड थोड़ा सा धनिया, इसमें डलेगा धनिया तो इसका टेस्ट अलग आता है। डलेगी हल्दी, देखिए टमाटर पूरे गल चुके हैं अच्छे से, ठीक है, ये मिक्सचर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे वो मसाले की मिर्च, ये मेरे पास उबली से लाई हुई मिर्च है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर एंड गरम मसाला डाल सकते हो। अंडे कितने हैं उस हिसाब से आप ये मिर्च डाल लीजिए। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करूंगी मैं, क्योंकि जो वो मिर्ची है बहुत टाइट से बंधी हुई है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसे खुला करके मसाला मिक्स होने तक मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर में से ना ऑयल सेपरेशन होना चाहिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। मैं एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग के लिए गरम मसाला डाल रही हूँ, ये गरम मसाला मेरी मम्मी ने दिया है बना के घर पे, तो इसको मैं थोड़ा सा एक चुटकी भर डालूंगी बस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए एक चुटकी काफ़ी रहेगी। थोड़ा सा धनिया एक और इस स्टेज पे थोड़ा सा डालेंगे अभी। यहाँ पे पूरा ऑयल चमक रहा है, ठीक है, इसमें से ऑयल निकल रहा है मसाले में से। तो अभी मैं क्या डालूंगी, इसमें एग्स डालूंगी एंड इसके ऊपर मसाले को थोड़ा सा इसको रोल कर लेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग व्यूलिंग में इसको लेके जा रहे हो तो इस स्टेज पे आप इसको ऐसे ही लेके जा सकते हो, थोड़ा 5 मिनट पका के, ताकि इसमें से पूरा मॉइस्चर निकल जाए एंड ये ड्राई सी ग्रेवी बन जाए। अगर आप ट्रैवलिंग में नहीं लेके जा रहे हो, घर पे खाना है, राइस या चपाती के साथ खाना है, तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट बन के अब तैयार है, इसको हम 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि वो एग का फ्लेवर जो होता है, बॉइल्ड एग का फ्लेवर, वो इस ग्रेवी में पूरा स्प्रेड हो जाए, ठीक है। पानी डालने के बाद मैं इसको ढक के रख रही हूँ एंड आपको एंड में अभी दिखाऊंगी धनिया डालने से पहले। सो ये देखिए करी तैयार हो चुकी है एंड एकदम परफेक्ट भी है कंसिस्टेंसी, जो आप चपाती या फुलके रोटी के साथ खा सकते हो, एंड अच्छे से ऑयल सेपरेशन भी हुआ है। तो अब इसमें फाइनल गार्निश के लिए थोड़ा और धनिया डाल देते हैं, मुझे धनिया काफ़ी पसंद है इसमें एंड इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है धनिया का, इसमें जितना ज़्यादा धनिया डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। सो ये बनके तैयार है। तो ये देखिए आटा गूंद रही मैं, आटा गूंदने के बाद फिर अभी कितने बजे, अभी एग्जैक्ट 6 बजे अभी शाम के, तो खाना बन के तैयार है मेरा, ये भी बन गई ग्रेवी एंड वो वाली एग ग्रेवी बन गई, तो दोनों का डिनर बन चुका है। मैं राइस खाऊंगी आज एंड सनी को दूंगी फुलके उस एग करी के साथ। ये एग करी ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है, एंड जिनके पास वो मसाला नहीं है ना, आप लोग धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर डाल लीजिए, एंड थोड़ा सा चाहिए तो मैजिक मसाला डाल सकते हो, उससे एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद तो कुछ मैं ब्लॉगिंग करूँगी नहीं, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कोई भी रेसिपी आप मेरी ट्राई कर रहे हो या आपकी खुद की रेसिपी हो भी तो शेयर कीजिए मेरे साथ पिक्चर्स, मुझे अच्छा लगता है देखने में, मालूम क्या ट्राई किया आप बोल के। सो एज आई ऑलवेज से, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, एंड आई सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। आटा है साथ में।